बातों ही बातों में सिद्धार्थ शुक्ला ने कर दिया एक बार फिर से रश्मि देसाई का जिक्र। कैसे, चलिए आपको बताती हूँ। और इस बात पर क्या रिएक्शन आया है रश्मि देसाई का, वो भी बताऊंगी। नमस्कार, मैं हुरुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। कल का अगर आपको अपना कॉन्वर्सेशन याद हो, जहां पर सारा गुरपाल सिद्धार्थ शुक्ला को पंजाब का जीजा बता देती हैं कि पूरे पंजाब की ऑडियंस की तरफ से आप उनके जीजू लगते हैं, और ये बात जो है सिर्फ मैं नहीं कहती, पूरा पंजाब कहता है, और एज अ जीजू ही आपको रिस्पेक्ट दी जाती है। आपको बता दूं कि ये पंजाब का जीजू जो है वो जो है ये होता है शहनाज गिल की तरफ से। अब यहाँ पर जो है बार बार इसकी उसकी जो ये इसकी उसकी जो हो रहा था वो नाम आ रहा था रश्मि देसाई का। अब ऐसे में जासमीन भसीन जो थी वो क्लियर करने की कोशिश कर रही थी कि भाई ऐसे कैसे कई बातें बन सकती हैं, ऐसे कैसे जीजा कह सकती हो, तो ये तरीके की बात सामने। अब यहाँ पर सारा गुरपाल कह देती है कि भाई मैंने तो ये दिल से बात कही है, मैं सच्ची में मतलब जो है बात वो मैंने कही। तो यहाँ पर कहते हैं सिद्धार्थ शुक्ला कि आपने भले ही दिल से बात कही हो लेकिन मेरा रिश्ता तो दिल से दिल तक है। आप समझ रहे हैं, उनका जो शो था दिल से दिल तक, जिसमें जैस्मिन भसीन भी खुद थी, रश्मि देसाई भी थी, तो कुछ इस तरीके से उन्हें याद किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि इस बात पर रश्मि का क्या रिएक्शन है। रश्मि ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आजकल मुझे हिचकियां बहुत ज्यादा आ रही हैं, लगता है कि मेरे फैंस मुझे बहुत ही ज्यादा याद कर रहे हैं। पर आपको बता दूं कि ये इशारा कहीं और नहीं बल्कि बिग बॉस के घर में रह रहे सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ ही था। बल्कि क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्या लगता है आप लोगों को, कॉमेंट सेक्शन में राय जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।